शांति। ओम टुडेज शांति। मुरली डेट इज आज 13th ऑफ की मे तारीख है 2018। 13/5/18 टुडे बीइंग और आज हम संडे वी विल सुनेंगे लिसन टू मीठे आवर मीठे डियर डियर प्राण प्यारे अव्यक्त अव्यक्त मूरत मुरली। धारी अव्यक्त बाप दिस दादा मुरली की वाज फर्स्ट रिवाइज स्पोकन कोर्स की मुरली। ऑन 10th ऑफ तारीख नवंबर है 1983। 10/11/83। आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है, ये मुरली मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा ने उनके प्रति अनमोल महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो आइए सुनते हैं कि आज मीठे मीठे बाप दादा ने इन मुख्य भाई बहनों को क्या क्या ऐसी शिक्षाएं दी जिससे वो अपनी उन्नति को कर सके और साथ साथ जो सेवाएं मिली हैं उनको भी वो जिम्मेवारी के साथ निभा सके। तो बाप दादा बोले कि आज सर्व शक्तियों का सागर बाप शक्ति सेना को देख रहे हैं। हरेक के मस्तक के बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं। अक्सर जैसे शिव के पास ज्योतिर्लिंग के पास भी त्रिशूल दिखाया जाता है, ऐसे जो भी शिव शक्तियाँ पूज्य देवियाँ जो हैं, उनका भी मुख्य शस्त्र त्रिशूल दिखाया जाता है। तो शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाती है। तो हरेक त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना, सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाप दादा और आप, ये त्रिमूर्ति, बाप दादा, बाप दादा और हम, ये त्रिमूर्ति हो गए। तो ये त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है, वह कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। कितना अच्छा बाबा ने त्रिशूल का आज हमें अर्थ और भाव बताया। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये भी याद रहता है। इस ही त्रिमूर्ति स्मृति से शिव दिखाई देगा। बाबा कहते हैं जब ये स्मृति होगी ना कि बाप दादा और मैं, और मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव की शक्ति की सेना की मैं सेनानी हूँ। तो इसी त्रिमूर्ति स्मृति की स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। तभी हमारी शक्ति में किसका साक्षात्कार होगा? शिव का साक्षात्कार होगा। कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। कई शिवलिंग के अंदर बीच में किसी ना किसी, या तो शंकर या ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऐसे किसी न किसी मनुष्य आकार को भी दिखाते हैं। ये बाप दादा का कंबाइंड यादगार है, साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से, त्रिमूर्ति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ये स्मृति जितनी हमारे पास पावरफुल होगी उतना हमसे उनको किसका साक्षात्कार होगा? शिव का, शिव पिता का साक्षात्कार होगा। अब सेवाधारी मूरत, भाषण करता मूरत, अभी हमारा कैसा स्वरूप दिखाई पड़ता है? सेवाधारी मूरत, हम बहुत हड्डी सेवा करते हैं, या हम सेवाधारी हैं, या फिर भाषण करता मूरत, बहुत अच्छा हम भाषण करते हैं, या फिर मास्टर शिक्षक बने हो,
या फिर हम पढ़ाई के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा 7 दिन का कोर्स शिविरें आदि आदि हम सभी शिक्षक के रूप में मुरली बाबा की पढ़ाई तो ये हम करते हैं। तो अभी साक्षात मूरत बनना है। अभी तो हम क्या बने? सेवाधारी, भाषण करने वाले, मास्टर शिक्षक। परंतु बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा स्मृति के आधार पर वो स्वरूप बनना चाहिए जिससे सभी को साक्षात्कार होवे। सहज योगी बने हो लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। सहज योगी तो हम सभी हैं, लेकिन सहज योगियों में भी अव्वल नंबर श्रेष्ठ कौन है? किसका योग सहज में भी श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी बने हो, महातपस्वी और बनना है। तपस्वी भी बने हैं हम, परंतु बाबा कहते हैं महायोगी, बड़े तपस्वी, नामी ग्रामी, ऐसा बनना है। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही हो वो जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि इन सभी बातों में से आप किस लहर में सभी चल रही हो क्या आप सभी जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर में चल रही हैं। देखो बाबा कितना युक्ति युक्त हमें इशारा दे रहे हैं कि किस लहर में चल रही हो। सहज योगी हो इसीलिए हर बात में क्या बन गई हो? सहज यानी थोड़ा अलबेलापन, लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्मा को वाणी की नहीं लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, वर्तमान समय जो जनरेशन है उनको हमारी स्पीच नहीं सुननी है, उनको हमारा भाषण नहीं सुनना है, उनको हमारी वाणी नहीं सुननी है, लेकिन उनको क्या चाहिए? श्रेष्ठ वाइब्रेशन, हमारे से निकले हुए शुभ भावनाओं के स्पंदन उनको चाहिए। श्रेष्ठ वायुमंडल, कहीं भी जाएं तो उनको वायुमंडल में ऊंचा श्रेष्ठ वायुमंडल मिले, दुख का, शांति का, डिप्रेशन का वो वायुमंडल नहीं चाहिए। जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए इसी की आवश्यकता है। और वो भी कैसे साक्षात्कार हो? सहज हो, मेहनत करे, वो भक्ति करे, जैसे भक्ति में नवदा भक्ति जब करते तो उनको जाके साक्षात्कार होता, या कोई बहुत मेहनत करते तो उसका फल सामने आता। लेकिन वर्तमान जनरेशन क्या चाहती है? मेहनत कम करे और सहज उनको फल की प्राप्ति हो। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं को वर्तमान वाणी नहीं, श्रेष्ठ वाइब्रेशन नहीं, वाणी नहीं चाहिए, परंतु श्रेष्ठ वाइब्रेशन चाहिए, श्रेष्ठ वायुमंडल चाहिए, जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए। तो इसी की आवश्यकता है। हमें अभी क्या करनी है सेवा? कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे सबको, फिर श्रेष्ठ वायुमंडल बनाए, ऐसा वायुमंडल बनाए खींचे हुए वहां बैठे रहे, वाइब्रेशन ऐसे दे कि वो हमारे वाइब्रेशन से बाहर निकल न पाए। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। अगर हम उनको अनुभव भी ऐसा कराएं, तो भी बाबा कहते हैं वह भी एक प्रकार से साक्षात्कार है। सुनाने वाले तो बहुत हैं, कितने सारे बाबा के बच्चे, जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं सभी सुनाने वाले हैं। बाबा ने सभी को अपना ये वर्षा ज्ञान का खजाना
सभी को दिया है, सभी को जिम्मेवारी दी है कि सभी को संदेश सुनाओ। तो सभी सुनाने वाले बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, और आप जिन्हों को सुनाते हो वो लोग भी सुनाने में कम नहीं। अगर वो भी सुनाने पर आते हैं वो भी बहुत कुछ सुनाते हैं, तो कमी कहाँ है? लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की। भले दुनिया में भी सुनाने वाले बहुत हैं, साधु संत महात्माएं, लेकिन कमी कहाँ पड़ रही है? इतना सब कुछ होते भी वो फिर भी ढूंढते हैं ऐसा स्थान जहाँ उनको चैन मिले, सुकून मिले। वो कैसे मिले? साक्षात्कार से। साक्षात्कार माना उनको कुछ ऐसा अनुभव चाहिए जो वो चाहते हैं, तो वो नहीं करा सकते। यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। हम बच्चे नहीं जानते इतना, हम अपने को ऐसा नहीं समझते, परंतु बाबा हम बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि यही विशेषता वाइब्रेशंस की, वायुमंडल की, ये नवीनता और ये सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को अभी स्टेज पर लाओ, अभी उसको प्रत्यक्ष करो। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया। क्या देखा? शिव भोला भगवान। क्या पाया? स्वयं परम पिता परमात्मा। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की। बाबा कहते हैं उनको ऐसा आपसे अनुभव आए कि उनके मुख से ये निकलेगा कि हमने तो साक्षात भगवान की झलक का अनुभव किया। फलानी बहन व फलाना भाई बोल रहे थे ये अनुभव नहीं, लेकिन इन्हीं द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही थी, वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन ऐसे लगा जैसे कोई उनके अंदर कोई शक्ति बोल रही है। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, विशेष शक्ति का साक्षात्कार हुआ, तो क्या वर्णन किया? वो कौन था? बाबा ने जो शक्ति का अनुभव किया, तो बाबा जब ध्यान से नीचे आए तो बाबा सोचने लगे ये कौन था, ये क्या था। ऐसे सुनने वालों को भी अनुभव हो कि ये कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। सुने क्या, लेकिन उनको साथ साथ मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। ये नवीनता ही सभी की पहचान की आंख खोलेगी। उनको फिर हमें पहचान नहीं देनी पड़ेगी कि तुम कौन हो, वो वहाँ पॉइंट ऑफ लाइट देखकर समझ जाएंगे कि हमें किसको याद करना है और हम किसकी संतान हैं। अभी पहचान की आंख नहीं खुली है, अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं। कहते हैं जैसे वो लोग सुनाते हैं ऐसे ये लोग भी सुना रहे हैं, अच्छा सुना रहे हैं। जैसे ये हैं वैसे ये भी हैं, जैसे वह भी ये कहते हैं वैसे यह भी ऐसे कहते हैं, हमारे भी इसमें इस सत्संग में ऐसा ही कहते हैं। आप जैसे बोलते हो आप वही बताते हो जो हमको बताते हैं, जो हम सुनते हैं वही आप बताते हो, ये भी करते हैं, लेकिन ये वो ही है जिसका हम आवाहन करते हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ये वो है।
ये उनको अनुभव आना चाहिए। अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। इसका साधन है सिर्फ एक शब्द को चेंज करो। कौन सा वो शब्द? सहज योगी की लहर को चेंज करो। सहज शब्द प्रवृत्ति में नहीं यूज करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज करो। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं सहज शब्द को यूज करूं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त तब होती है जब उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करना होता है। तो वो परिश्रम हमें कठिन नहीं लगना चाहिए, वो मेहनत हमें भारी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन बाप हमारे साथ है तो हमें वो सहज अनुभव में आनी चाहिए। श्रेष्ठ योगी की लहर, सहज योगी में सहज श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूरत की लहर, तपस्वी मूरत नहीं, महातपस्वी मूरत की लहर, साक्षात्कार मूरत बनने की लहर, रूहानियत की लहर, अब इसकी आवश्यकता है। अब ये रेस करो, कॉन्वर्सेशन अगर आगे बढ़ना ही है तो रेस करो दूसरों के साथ। संदेश कितनों को दिया? ये तो 7 दिन के कोर्स वालों का काम है। अभी ये काम आप लोगों का नहीं। अभी ये जिनों को आप 7 दिन का कोर्स कराते हो, संदेश देने का काम अभी वो करे। वो भी वह संदेश दे सकते हैं, लेकिन आप ये रेस करो। अनुभव कितनों को कराया? कौन सी रेस करें कि कितनों को बाबा का साक्षात्कार कराया, बाबा का अनुभव कराया। अनुभव कराना है और अनुभवी बनाना है। ये लहर अब चारों ओर होनी चाहिए, समझा? आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि 84 का साल आ रहा है, 83 की मुरली है, 84 का साल आ रहा है। 84 घंटों वाली शक्ति मशहूर है, सभी देवियों की महिमा है। 84 में घंटा तो बजाएंगे ना, तब तो गायन हो। 84 का घंटा है, अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ। जैसे बाबा शुरू शुरू में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो सभी को साक्षात्कार होते थे, तो बाबा कहते वही लहर फिर से आदि की अभी लहर फैलाओ, धूम मचाओ। आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। बाबा कहते बाप समान बनो आप तो अपने आप क्या होगा, साक्षात्कार उनको होने लगेगा। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन ये चारों ओर लहर फैलाओ। अभी तो कहाँ कहाँ किसी किसी में उनको थोड़ा अनुभव आता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, जिसको भी देखे जहाँ भी जावे वही लहर दिखने को मिले। जैसे मेले की भी लहर फैलाते हो ना, मेले बहुत किए हैं, समारोह भी बहुत किए, अभी मिलन समारोह मनाओ। नए साल के लिए नया प्लान बनाने आए हो, सबसे पहला प्लान स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लान बनाओ। पहला प्लान बाबा कहते कौन सा करो, स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लान बनाओ। माना सब कमजोरियां मिट जाए, कोरे कागज बन जाओ, तब तो साक्षात्कार होगा। अगर इस मीटिंग में ये प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी। अभी बाप दादा की ये आश पूरी करनी है। आश अभी पूरी नहीं हुई है, मीटिंग तो हो जाती है,
बाप दादा के पास चार्ट तो सबका है ना, सिर्फ रिगार्ड रखने के कारण बाप दादा कहते नहीं है। अच्छा, आज तो थोड़ा मिलने आए हैं, चार्ट बताने नहीं आए हैं। फिर दादी को देख के बाबा बोलने लगे, आपकी सखी माना मनमोहिनी दीदी कहाँ है? तपस्या गर्भ में, निमित्त गर्भ में है, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा दे रही है। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साकार स्वरूप में जगत अम्बा के बाद साथी रही, वैसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ है, सेवा में साथीपन का पार्ट बजा रही है। निमित्त कर्मेंद्रियों का बंधन है, लेकिन विशेष सेवा का बंधन है। ये सब दीदी के प्रति बाबा बता रहे हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना की कारोबार पहले विशेष रूप में जगत अम्बा ने संभाली, जगत अम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप में इसी आत्मा दीदी की जवाबदारी रही। साथी भले और भी रहे, लेकिन विशेष स्टेज पर और साकार ब्रह्मा के साथ पार्ट में रही। बड़ी दीदी जी साकार ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सारा जैसे सेवा में सहयोगी बनती रही, जिम्मेवारियों को संभालती रही। अभी भी ब्रह्मा बाप और दीदी की आपस में रूरिहान, मनोरंजन और सेवा के भिन्न भिन्न पार्ट चलते रहते हैं। नई सृष्टि की स्थापना में भी विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का अभी जोर शोर से पाठ चल रहा है। जैसे साकार दीदी के विशेष संस्कार सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का, उमंग उत्साह दिलाने का रहा, वैसे अभी भी वही संस्कार नई दुनिया की स्थापना के कार्य के अर्थ निमित्त बने हुए ग्रुप को और तीव्र गति देने का पाठ चल रहा है। दीदी का विशेष बोल याद है, उमंग उत्साह में लाने के लिए विशेष शब्द क्या थे दीदी के? हमेशा यही शब्द रहे कि कुछ और नया करो। हमेशा दीदी कहती थी ये तो किया, अभी कुछ और नया करो। अभी क्या हो रहा है बार बार पूछती थी, नवीनता क्या लाई है? ऐसे भी अव्यक्त ब्रह्मा से बार बार इसी शब्दों से रूरिहान करती थी। एडवांस पार्टी में भी उमंग उत्साह ला रही है कि अभी तक क्या क्या किया है और क्या हो रहा है, वही संस्कार प्रैक्टिकल में ला रही है। किसको भी बैठने नहीं देती थी ना, एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का बाण भर रही है। कंट्रोलर के भी तो संस्कार थे ना, अभी बड़ी दीदी एडवांस पार्टी की कंट्रोलर है। सेवा के संस्कार अभी भी इमर्ज रूप में है, तो समझा अभी दीदी कहाँ है? अभी तो विश्व का चक्कर लगा रही है, जब सीट ले लेंगी तो बता देंगी। अभी वह भी आपको सहयोग देने के बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रही है, अभी देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूरत, साक्षात बाप बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने पाया हमने देखा इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को देश विदेश के सर्वस्नेही सेवा में मग्न रहने वाले
सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा। जो भी भाग्य हमारे बाबा ने बनाए हैं, तो नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितना भी कमजोर या बीमार है, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ वो पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, तो पुरुषार्थ में भी रमणीकता आ जाएगी और बोर नहीं होंगे और नवीनता का भी अनुभव करेंगे। स्लोगन है आगे पीछे सोच समझ कर, आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।